पूरे जग ते वसते हुए पंजाबी प्यारियो इशान बाजवा का सलाम कबूल करो, जिंदे रहो, वसते रहो, खुश रहो। अज असी तुहाडे नाल असड़ आसड़ ओसड़ जट कबीला का जिक्र करांगे। असड़ आसड़ ओसड़ जट कबीला जिहड़ा जट्टां विचों हज़ारां साल पुराना कबीला है। असड़ या ओसड़ का मतलब हुंदा आस मुराद पूरी करन वाला। असड़ पुत्र सी आरी दा, पोतरा सी पताला दा, पड़पोता सी उबीर दा, ते पुंछी दी नस्लों ए सूरजबंसी जट्टां दा नान शान वाला कबीला है। असड़ दे प्यो आरी जनी जिहदे नां तों आरीजा कबीला है, उहदे प्यो पताला दा राज 4500 कबल मसीह विच लाड़काना तों लै के सबजल कोट तिकर सी, ते इह सरोया मल्ली रियासत दी जैली रियासत सी। बेहवाला सत दरियावां दी सरजमीन, तर्जमा जिहड़ा अंजम साहब ने किया, ते हवाला तारीख अकवामे खरखर जिहदा खोखर दा नां पुराना खरखर सी, विजी आरफ नायक ते जामन अली शाह। ये लोग लाड़काना डिवीजन, डेरा गाजी खान डिवीजन, डेरा इस्माइल खान डिवीजन कराची विच, ते बलोचिस्तान अंदर डेरा मराद जमाली तो लैके लस बेला तिकर वसे हुए ने। इस तो आडे लोग ईरान अंदर करमान विच भी वसे हुए ने। ये लोग सिंधी सरायकी बोलते ने। डेरा गाजी खान तो लै खालद असर ने दसिया भी उन्होंने कबीले के लोग मियाँवाली, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, पखर पिंड, खारियाँ, कश्मीर विच भी वाहवा गिनती वसते ने। हूँ असी वेखते हाँ भी होर कि तारीखी तजकरिया अंदर असड़ या आसड़ या ओसड़ या असर जट कबीले का जिक्र मिलता है। ग्लासरी ऑफ टाइप्स एंड कास्ट्स विच असर या असरा दे सरनामे हेठ लिखा होया मुल्तान विच वाईवान जट कबील चा। हूँ असी इस असड़ आसड़ ओसड़ या असर जट कबीले का कुर्सीनामा तुहाडे नाल सांझा करदे आ, जो मीरपुर मथेला सिंध तो आरिया डॉक्टर लाल बख्श नायक मल्ली जट होरां साडे नाल सांझा कीता। उस कुर्सीनामे मुताबक हज़रत आदम, जिन्हां नूं हिंदी विच शिव शंकर ते महादेव आख्या गया, तो चोखा अगेरे वंज के नां आउंदा हज़रत नूह अलैह सलाम दा, जिन्हां नूं हिंदी विच दूसरा मनु आख्या जांदा है, ते उन्हां दी 270 गज लंबी कबर जिहड़ी है पिंड मंडा जिला गुजरात काठियावाड़ हिंदुस्तान विच है, ते उस जुए उन्हां नूं मनु महाराष्ट्र यानी वड्डे बेड़े वाला मनु आख्या जांदा है। उन्हां दीआं दो सवाणियां विचों 7 पुत्र होए। उन्हां दी पहली बीवी दा नां सनहा सी, उहदे चों 3 पुत्र होए साम, हाम ते याफस। याफस दा दूजा नां महेश वी सी। ते उन्हां दी दूजी सवाणी वायला दी कुखों 4 पुत्र कनान, यरन, हरहर ते अजम होए। ये जिहड़े मगरले 5 मां पुत्र सन ना, ये हज़रत नूह अलैहि सलाम होरां दे गुस्ताख ते बेअदब होण पारों उन्हां दे बेड़े दे विच ना बैठे। उन्हां बड़ा आख्या कि तूफान आउण वाला है, ये लोगों दीआं बदअमालियां दी इन्हां नूं सज़ा मिलण वाली है, ते तुसीं जान बचा लो। पर वो उन्हां दे आखे ना लगे, उन्हां दे बेड़े विच ना बैठे, ते वो गर्क हो गए। मुड़ के अगर नूह अलैहि सलाम उन्हां दे पहले पुत्रां विचों साम दी औलाद जिहड़ी है सामी सदाई, सामी जबान ही बोलते सन, इहदा ही पुराना नाम सी जिहड़ी साडी जबान है, उहदा सामी जबान नाम सी। इह सारी नसल एशिया च वस गई। हाम दी नसल जिहड़ी है अफरीका च जा वसी, ते हाम दी कबर जिहड़ी है ज़िले चकवाल ते जेलम दी सी, उह सन दे आया, उहदे ते असीं वीडियो भी कर चुके हाँ। ते याफस दी औलाद जिहड़ी है तुर्की, चीन ते यूरोप दे विच जा वसी। मुड़ के साम दा पुत्र होया, साम दे पुत्र होए अरफखा सिंध, जिहदा दूजा नाम सिंध सी, ईश्वर जिहदा दूजा नाम हिंद सी, आराम जिहदा दूजा नाम, जिहदे नाँ तो आर्मीनिया वसिया, असवर जिहदे नाँ तो फारस दा इलाका, ईरान दा इलाका वसिया, लूद जिहदे नाँ तो रोम वसिया, बलकान जिहदे दो पुत्र खरासान ते शाम सन, सम आन, कन आन जिहदा दूजा नाँ की कानवी है, लावर ते ईलाम जिन्हों अरबा ने गीलाम आख्या, ते अगले पुत्र दा नाँ सी मूरच। अगों अरफका सिंध यानी सिंध दा पुत्र होया है सखर, पखर, ठठा, होल, हरमेश, अमर। अमर दी नसलों सिकंदर ज़ुल्कुरनैन होए ने, जिन्हों का कुरान में जिक्र मिलता है। डागर अगला पुत्र सी, ये गैर आरिया नसल है। अगे भी असी तुहाडे नाल गल सांझी कीती कि आरिया का मतलब हुंदा है खुदा दे छां हेठ, खुदा दे परछावें हेठ,
खुदा दे हुकम अमर दे थले रहन वाला और एक जट सारेयां दा जिहड़ा खिताब इन्हां नूं आरिया दा मिलिया होया सी। अमर दा पुत्तर अमर जिहड़ा ते अगला पुत्तर सी डागर ते अगला पुत्तर सी गिलूदर ते अगला सी जाशर जिहदा दूजा नां लौजर भी सी। ये समूद कौम की जिहड़ी नसल है इहदे तों टुरी। अगले पुत्र का नाँ गुजरात सी, अगले का नाँ गारा सी जिहदा दूजा नाँ जिहदे नाँ तों हड़प्पा वसिया, अगले का नाँ टैक्सला ते अगला हंड, हंड का दूजा नाँ हंड के नाँ ते सुआबी वसिया, अगले का नाँ आसाम सी, अगले का नाँ तामली जिहदे तों तामल कौम तमिलनाडु कौम जिहड़ी हिंदुस्तान च इलाका है, अगले का नाँ मूला सी जिहदे नाँ तों मूलस्तान मल्लस्तान या कशेपुरा मुल्तान शहर जिहड़ा वसिया, अगले का नाम मिजोराम सी ते अगले का नाम मकरान सी, मकरान का पुराना नाम माकान भी है, अगला करमान सी पुत्र ते अगला हनवादर सी जिदी नस जिद जिदा दूजा नाँ गवादर भी है, अगले पुत्र का नाँ कीकान सी जिदे नाँ तो कलात वसिया ते ओ कीकान जट अज भी बड़ा वड्डा कबीला उस इलाके च वसदा है, अगला खुशदार सी ते अगले का नाँ सी सी जिदे नाँ तो बलोच ईरान दे विच सीस्तान दा सूबा मौजूद है। अगों इन्हां दे विचों जिहड़ा मूला होया जिन्हें मुल्तान वसाया सी उहदे पुत्र होया ऊज ते ऊज दा पुत्र होया सागत, सागत दा दूजा नाँ इरमी सी ते सागत दा पुत्र होया आद जिहदा दूजा नाँ मोहन भी सी, जिन्हें मोहन दा दड़ा और जिहड़ा मोहन कोट जिहनूं रेनी कोट भी आंदे ने उह वसाया। अगों ये वाहवा पुत्र होए जी जिन्हां च जिन्हां दे नाँ सन जलूद सहरेब, सहरेब तो नमरूद बादशाह की नसल टुरी, पत्तन जिहड़ा रहीमयार खान दे विच ये पत्तन उहदे नाँ ते सी पत्तन मनारा जिहड़ा, काहू काहू का दड़ा भी मशहूर है सिंध दे विच, जुकर जुकर का दड़ा भी मशहूर है, डी जी कोट डी जी मशहूर है, अरोड़ ते दुहागा रोड़का टैक्सला परीपोपिया ते तलूंजा, तलूंजा खुशाब दे विच किला, डागा शदाद जिहड़ा बादशाह जिन्हें जन्नत दोजख दुनिया ते बनाई सी, अगला शदीद अगला बाला ते अगला ए बाला दा जिहड़ा किला है भी बलूचिस्तान दे विच भी, ए बाला कोट फिर इत्थे सरहद वे अपना खैबर पख्तूनखा विच भी है, और बाला सार किला भी ये नाँ ते बनया अगे अं दस चुके हैं। अगला पुत्र सी मेहर, मेहरगढ़ है जिन्हें वसाया ते अगला सी सुहागा। अगों जलूद दे पुत्र होए बा अरनंद शला अंबर ब्रह्मा सुहागा ते मोडा, इन्हां विचों बा दे पुत्र होए विष्णु वेस सुरंबू शंकर चेतू सेंबू ते गोरख, गोरख का दूजा नाँ हज़रत हूद अलैहि सलाम सी और रसूल सन और उन्होंने पिशा राम भी आख्या जाता सी, पिशा राम यानी पिशावर का शहर दसया जाता है कि उन्होंने नाँ पर वसाया गया सी। अगों गोरख जिहड़े ने यानी हज़रत हूद अलैहि सलाम उन्होंने पुत्र होए अरड़ जिहदे नाँ तो हरीड़ का किला दादू दे विच 1100 फुट उच्चा वह वसाया गया, गब्बर बब्बर तंदूर बरबरा हेम ते भेम, इन्हां विचों जिहड़ा बरबरा उहदे पुत्र होए अबरू अब्बर ते अबरीन, अगों अबरू का पुत्र होया कैतान सोम महला अग्नि सुई निरसल सला भूमि मंदर महान सरूस अरनंद ते याकूब, अगों कैतान दे पुत्र होए यकतान फलज सलज ते यारब, ये फलज सलज ते यारब जेड़े सन इन्होंने ये इतों यमन चले गए सन, उत्थे सबा दी कौम वसाई जिहड़ी हज़रत मलका जिहड़ी मलका बल्कीस सी जिहदा कुरान च जिक्र आउंदा है हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम नाल वो तख्त खड़न वाली सारी जिहड़ी कहानी है वो इन्हां दी फिर शादी होई सी इहदे नाल वो इसे कौम चों सन। अगों यकतान दा पुत्र होया शाहरुख जिहदा दूजा नाम मंबा भी सी ते अगों शाहरुख दा पुत्र होया जी नाहूर जिन्हां दा दूजा नाँ हज़रत अयूब अव्वल सी, यानी हज़रत अयूब अलैहि सलाम दे बारे च असीं वीडियो भी कर चुके हैं कि तीन होए ने ते ये पहले हज़रत अयूब अलैहि सलाम सन, ये रसूल भी सन और ये मुल्तान दे बादशाह भी सन। अगों इन्हां दे यानी नाहूर या हज़रत अयूब अलैहि सलाम दे पुत्र होए शब्बर बशर शबीर बशीर खारान, खारान जिहड़े सन वो अम्मा सायरा दे वालिद सन ते तारख ते आज़र, अगों तारख दे पुत्र होए जी इब्राहिम ना फाऊर नाहूर ते हारान, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम
ਤੇ ਫਾਊਰ ਨਾਹੂਰ ਤੇ ਹਾਰਾਨ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਊਰ ਹਕੀਮ ਲਕਮਾਨ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ ਤੇ ਹਾਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ, ਲੂਤ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਨਾਹੂਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਲਾਬਾਨ ਤੇ ਨੀਤੂਏਲ ਹੋਏ। ਲਾਬਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਰਾਹੀਲ ਤੇ ਲਈਆ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਨੀਤੂਏਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਬਰਮਕਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਦੋ ਜੋੜੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੂ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਆਣੀਆਂ 'ਚੋਂ 13 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਸੁਆਣੀ ਸਾਇਰਾ ਵੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮਾ ਹਾਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਤੂਰਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 6 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 1 ਧੀ ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਅਤੇ ਅੰਮਾ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 5 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 1 ਧੀ ਲਬੂਦਾ ਬਾਈ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸੁਆਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਔਲਾਦ ਬਸ ਮਿਜ਼ਾਗ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਵੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨਿਆਬੂਤ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਕਾ ਵਸਾਇਆ, ਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਸਨ, ਉਮੇਲ ਤਿੱਪਾ ਮੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਰਾ ਸਾਖਿਆ ਗਿਆ, ਰੂਹਾ, ਹਿਰਾ, ਯਤੂਰ, ਤੀਮਾ, ਨਾਫਸ ਅਤੇ ਧੀ ਹੋਈ ਬਿਸਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਿਆਬੂਤ, ਕਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰਚੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਅਰਚੀਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਰਾਇਣ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਸਲੋਂ ਈਲਾ, ਅਰਮਾ, ਅਰੂਦ, ਨਰੀ, ਵਰੂਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਮਾਨ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਨਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਨਰੀ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਸੂਰਜਬੰਸੀ ਜੱਟ ਟੁਰੇ, ਵਰੂਨ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਜਮਗਦਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾਨ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਨਸਲੋਂ ਚੰਦਰਬੰਸੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਸਲ ਟੁਰੀ। ਅੱਗੋਂ ਨਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨ, ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓਲ, ਅਤੇ ਦਿਓਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਨੂ ਅਤੇ ਬੱਛਾ। ਮੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਨਸਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟੁਰੀ, ਅਤੇ ਬੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਜੱਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਬੱਛੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਛਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਜੱਟ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਛਵੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ, ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਹਮਸਾ ਚਾਲਕ, ਹਮਸਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਧੂ ਚਾਲਕ, ਆਧੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ, ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ, ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ ਚਾਲਕ, ਮਾਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ, ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ, ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ, ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ, ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਮੱਲ, ਅਮਰ ਮੱਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ, ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ, ਹਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰਾ ਚਾਲਕ, ਭੂਰਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਰ ਮੱਲ, ਜ਼ਬਰ ਮੱਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਾ ਰਾਜ, ਅਮਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੋਜ ਰਾਜ, ਭੋਜ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਨ ਰਾਜ, ਕਿਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸੀਨ ਰਾਜ, ਚੰਦਰ ਸੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾ ਸੰਘ ਸੀਨ, ਗਵਾ ਸੰਘ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ, ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ, ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਸਾ ਸੀਨ, ਹਮਸਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂਲ ਰਾਜ, ਮੂਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਚਾਲਕ, ਰਾਜ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਸੋਤਰਕ, ਰਾਜ ਸੋਤਰਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪਸਨੀ ਜਾਂ ਪੁਣਸ਼ੀ ਰਾਜ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋਤਰਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਣਸੀ ਜਾਂ ਪੰਸੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਬੜਾ, ਬੂਹੜ, ਮੰਜੂ, ਛੱਛਰ, ਰਾੜ, ਤਾਮਰੀ ਅਤੇ ਉਬੀਰ। ਅਤੇ ਉਬੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪਤਾਲਾ, ਅਤੇ ਪਤਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਆਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰੀਜਾ ਕਬੀਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੀਲਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਰੀਜਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਸੜ, ਆਸੜ, ਔਸੜ ਜਾਂ ਅਸੜ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਅਸੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਆਸੂ, ਆਸੀਰ ਅਤੇ ਆਸਰੀਆ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਅਸੜ, ਆਸੜ ਜਾਂ ਔਸੜ ਜਾਂ ਅਸੜ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਅਹਿਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।